Hi guys, my name is Sam and you are watching Sim Spoken English YouTube channel. So guys, ECR के structures के बारे में आज हम फिर एक बार discuss करने वाले हैं. हमने एक series start की है guys, जहाँ पर हम day to day life में जो भी हम sentences use करते हैं guys, उसको English में कैसे translate कर सकते हैं, किस तरह से हम English बोलना start कर सकते हैं guys, वो structure हम discuss करने वाले हैं. तो देखते हैं guys, ये structure किस तरह से है और किस तरह से हम इसको use कर सकते हैं. तो चलिए guys, structure को start करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप गाइज हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे गाइज. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले तो देख लें किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है हमें. सो गाइज यहां पर स्ट्रक्चर्स का नाम है हमारा ड्वेल्प. देखिए गाइज इसको दोनों तरह से बोला जाता है, इसको डेवलप भी बोला जाता है, इसको ड्वेल्प भी बोला जाता है. तो आप दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. तो यहाँ पर ड्वेल्प द हैबिट ऑफ, ये हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है गाइज. यहां से और ऑफ तक जो भी हमारा फॉर्मेशन है दैट इज अ ड्वेल्प द हैबिट ऑफ एक स्ट्रक्चर है. और यहां पर गाइज जो भी हमें वर्ब लिखेंगे, देखिए गाइज मैंने वी1 लिखा है, वी1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देखिए गाइज ये वर्ब नहीं होता है, ये होता है वर्ब. बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना है गाइज. तो V1 मतलब हो गया गाइस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके साथ गाइस हमें ING फॉर्मेशन को ऐड करना है जिसको ऑब्जेरन कहते हैं गाइस. सो जो भी वर्ब आएगी गाइस उसमें हमें ING को ऐड करना है गाइस. तो देख लेते हैं गाइस किस तरह से सेंटेंस है. सो गाइस डेवलप द हैबिट ऑफ का मतलब होता है आदत डालना. देखिए गाइस हम दिन भर में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, इस चीज की आदत डालो या उस चीज की आदत डालो. तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं गाइस तो उस सिचुएशन पर गाइस हम यूज करते हैं डेवलप द हैबिट ऑफ. तो देखिए गाइस यहां पर मैंने लिखा है काम करने की आदत डालो, develop the habit of doing work. इसको गाइज वर्क नहीं बोला जाता है, ये होता है वर्क. इंग्लिश बोलने की आदत डालो, develop the habit of speaking English. न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, develop the habit of reading newspaper. सुबह जल्दी उठने की आदत, develop the habit of getting up early in the morning. जल्दी सोने की आदत डालो, develop the habit of sleeping early. समय पर आने की आदत डालो, develop the habit of coming on time. बुक पढ़ने की आदत डालो, develop the habit of reading book. तो गाइस इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं. जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं कि इस चीज की आदत डालो तो वहां पर गाइस हम यूज कर सकते हैं develop the habit of, और जो सेंटेंसेस आप जिस बारे में बोलना चाह रहे हैं वहां पर आप वर्ब के साथ ing ऐड करके सेंटेंसेस को बोल सकते हैं. द सेम थिंग गाइस इसको हम नेगेटिव फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं, दैट मींस गाइस हम इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं. तो नेगेटिव में बनाने के लिए गाइस हमें क्या करना है, एडवर्ब से पहले हमें डोंट लिख देना है गाइस. तो यहां पर हो जाएगा डोंट develop the habit of, इसका मतलब हो जाएगा आदत मत डालो गाइस. तो देखो यहां पर मैंने नेगेटिव के लिखे हैं गाइस. तो नेगेटिव मेक एक्सक्यूज का मतलब होता है गाइस बहाना बनाना. तो जैसे मैंने बोला गाइस यहां पर बहाना बनाने की आदत मत डालो, डोंट develop the habit of making excuse. झूठ बोलने की आदत मत डालो, डोंट develop the habit of telling a lie. गाली देने की आदत मत डालो, डोंट develop the habit of abusing. डालो, don't develop the habit of getting a plate. रात को देर से सोने की आदत मत डालो, don't develop the habit of sleeping late at night. लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत मत डालो, don't develop the making fool others. तो देखिए गाइस ये नेगेटिव फॉर्मेशन है. जब आप किसी को बोलना चाहते हो कि आदत मत डालो या फिर ये आदत डालो, तो अगर आप नेगेटिव बोलना चाहते हैं तो गाइस इससे पहले हम डोंट ऐड कर देंगे. और अगर गाइस आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो गाइस वहां से आप डोंट को रिमूव कर देंगे. तो एक स्ट्रक्चर सा गाइस जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था. ये ECR की जो हमारी सीरीज है इसके अंदर हम वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं गाइस. ये एक स्ट्रक्चर सा गाइस जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं गाइस. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको मिलती रहे गाइस. तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय गाइस.